हेलो बच्चों, कैसे हैं? हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में आपने देखा जो काव्य खंड का जो पहला टॉपिक है आपका संत कबीरदास का, उनके जीवन परिचय के बारे में कल जो है बात हो चुकी थी। आइए आज जो है आज उनकी साखियों का हम अध्ययन करते हैं। उन साखियों के अध्ययन से पहले आपको याद दिला दूं कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के, या कहिए कि निर्गुण भक्ति का विधारा के संत कवि हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। और 1518 में, 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? मगध में। इनके जन्म के बारे में क्या किंवदंतियां हैं इसके बारे में मैं कल उल्लेख कर चुका हूँ, इसका जिक्र जो है हो चुका है, इसलिए हम ज्यादा पीछे नहीं चलेंगे। आइए साथियों में जो पहला दोहा है, आइए हम उसका जो है वाचन करते हैं। जो पहला दोहा है देखिए, मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा तेरी कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब कूड़ी अनत न जाए। बेटा मान सरोवर का मतलब यहाँ जो है मन रूपी तालाब से है। मान सरोवर का मतलब मन रूपी तालाब से है। सुभर का मतलब लबालब, जल का मतलब पानी होता है, कहने का मतलब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ सुभर जल। हंसा जिसको स्वान कहते हैं, एक प्रकार का पक्षी है, नेम ऑफ बर्ड। केल का मतलब क्रीड़ा, खेलने से है। कराह का मतलब कर रहे हैं। मुक्ता फल, मुक्ता का मतलब होता है मोती, जिसको पर्ल बोला जाता है। मुक्ता फल का मतलब मोती रूपी फल, यहां मोती रूपी भोजन से है। मुक्ता चुगे, मुक्ता का मतलब मोती बना चुके हैं। चुगे का मतलब ग्रहण करने से है, भोजन करने से है, अपनाने से है। अब उड़ी, उड़ने का मतलब है कहीं और जाने का मतलब है। अनत का मतलब अन्य जगह पर, अनत का मतलब अन्य जगह, न जाए, नहीं जाते हैं। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रसंग के तौर पर बता दूं कि कबीरदास जी का जितना भी दोहा है, ये जो सातों दोहे हैं, सातों दोहों के अलग अलग विषय हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य के, इंसान के जीवन में जो उसका व्यवहारिक पहलू होता है, उसको देखते हुए संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से कुछ संदेश देने का कार्य किया है, जिसका यदाकर, या कहिए कि छोटा सा एक जो है सात रूप में, या छोटा छोटा सात भाग में प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, जो दोहा छंद में लिखा हुआ है, जिसमें पहला जो दोहा है, पहला दोहा जीवात्मा के निवास से है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है, जो अटूट संबंध है, उसी से लेकर के यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है पहले वाले दोहे में, कि किस प्रकार से यह जीवात्मा हमेशा उस परमात्मा के सानिध्य में ही रहना अपने आप को पसंद करती है, या कहिए कि हमारी जीवात्मा परमात्मा के करीब रहकर, उनके आसपास रहकर, या उनसे मिलकर हमेशा अपने आप को संतुष्टि का भाव रखती है। शायद यही जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ जो दृष्टांत दिया हुआ है इस दोहे में, जो दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है संत कबीर के द्वारा, मैं कल आप लोगों को एक बात बता दिया था कि संत कबीर जो है अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। अगर अशिक्षित कहा जाए तो शायद ये जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षित होना और पढ़ा लिखा होना दोनों दो बातें हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन दोहों के रूप में, साखी शब्द रमैनी के रूप में जो कुछ भी उन्होंने गाया है, न कि वे लिखे हैं, उन्होंने गाने का कार्य किया है, लेकिन उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध करने का कार्य किया। उसी पहले दोहे में जो दृष्टांत दिया गया है कबीरदास जी के द्वारा, आत्मा और आत्मा और परमात्मा, या कहिए कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो मौलिक संबंध है, उसको स्थापित करने का उन्होंने कार्य किया है। इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है
ये जो मानसरोवर है, हमने अभी भावार्थ के तौर पर आपको बताया कि मानसरोवर का मतलब होता है मन रूपी सरोवर, सरोवर माने तालाब होता है, मन रूपी तालाब। लेकिन बेटा याद रखिए, यहाँ जो दृष्टांत दिया जा रहा है ये उस मानसरोवर का दिया जा रहा है जो तिब्बत में एक झील है। तिब्बत में एक मानसरोवर नामक झील है जहां पर हंसों का बहुत बड़ा समूह जो है निवास करता है, और कहते हैं कि वहां वे अपने आप को इतना खुश महसूस करते हैं या सहज महसूस करते हैं कि उनको जो है भोजन के रूप में या जीवन जीने के लिए जो आहार चाहिए, जो ऊर्जा के रूप में उनको जो भोजन चाहिए ऊर्जा लेने के लिए, वह कहते हैं कि मोती के रूप में वहां प्राप्त होता है। इसीलिए वे हंस जो है उस मानसरोवर को छोड़ करके कहीं और जाना पसंद नहीं करते। तो ये तो हुआ आपका एक पहला जन। लेकिन यहाँ कबीरदास जी इसी दृष्टांत के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर का मतलब मन रूपी जो यह तालाब है उसमें सुभर जल, कह रहे हैं कि उसमें जीवात्मा रूपी जो हंस है, हमारा जो मान सरोवर मतलब मन रूपी जो तालाब है वह लबालब भरा हुआ है। वो जो मान सरोवर है वो तो पानी से भरा हुआ है, लेकिन हमारा जो मन रूपी तालाब है ये किससे भरा हुआ है? आनंद रूपी जल से। मान सरोवर सुभर जल, यह जो मन रूपी तालाब है, मन रूपी जो सरोवर है, यह आनंद रूपी जल से लबालब भरा हुआ है। हंसा के लिकराए, ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उस मान सरोवर झील में हंस पक्षी क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, दाना चुगते हैं और अपना आहार विहार दोनों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसी तरह से हमारे इस मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी जो जल भरा हुआ है इसमें जो जीवात्मा रूपी जो हंस है वह क्रीड़ा कर रही है, अर्थात आनंदित हो रही है। बेटा जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है या जो ये हृदय है, कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही परमात्मा का वास होता है, तो जीवात्मा को या कहिए कि आत्मा को परमात्मा का एक छोटा रूप माना जाता है, लघु रूप कहा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर कहीं और नहीं है, परमात्मा कहीं और नहीं है, बल्कि वह हमारे आस पास है, हमारे अंदर है। इसीलिए कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यह मन रूपी सरोवर है उसमें जो आनंद रूपी जल लबालब भरा हुआ है, उसमें जो हंस रूपी हमारी जीवात्मा है वह पीड़ा कर रही है, अर्थात आनंदित हो रही है। कह रहे हैं कि वह जीवात्मा मुक्ता फल मुक्ता चुके, कह रहे हैं कि जो जीवात्मा हमारे अंदर जो निवास कर रही है परमात्मा का वह छोटा रूप, कह रहे हैं कि वह मुक्ता फल मुक्ता चुके मोती रूपी, जिस प्रकार से वे हंस मानसरोवर में रहने वाले मोती रूपी दानों का ग्रहण करते हैं, मोती रूपी भोजन को ग्रहण करते हैं, कह रहे हैं कि उसी तरह से हमारी जो जीवात्मा है वह भी मोती रूपी अर्थात आनंद रूपी भोजन को ग्रहण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा दुखी होकर या व्यथित होकर चिंतित होकर हमको आपको खुशी का इजहार नहीं होने देती। जब हमारी आत्मा दुखी होती है तो हमारे चेहरे पर या हमारा एक्सप्रेशन हमारा हाव भाव वैसा प्रतीत होने लगता है। लेकिन कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जब आप जैसा वातावरण दोगे, जैसा महसूस करोगे, अगर आप सकारात्मक सोच रखने वाले हो, उचित अनुचित हानि लाभ धर्म या धर्म, अगर इन बातों का अगर आप ज्ञान रखते हो तो आपकी जीवात्मा हमेशा सदैव आनंदित रहती है, प्रफुल्लित रहती है, उत्तेजित रहती है। ये बताना चाह रहे हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुके, कह रहे हैं कि यह जीवात्मा आनंद रूपी भोजन को ग्रहण करने के बाद हमेशा उन स्वान की तरह, उन हंसों की तरह मोती रूपी जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनके जैसा ही आनंद की प्राप्ति करती है। कहने का मतलब यह जो जीवात्मा है वह भी आनंद रूपी भोजन को ग्रहण करती है, अर्थात प्रसन्नता के भाव को ही स्वीकार करना चाहती है। अब उड़ यनत न जाए, कह रहे कि जिस तरह से वे हंस हैं मानसरोवर तालाब को जब वे मोती रूपी दानों को पाते हैं या ग्रहण कर रहे हैं तो वह
वैसे सुंदर स्थान को छोड़कर कहीं और भला क्यों जाएंगे। उसी तरह से कहना चाहे कि हमारी जीवात्मा भी जब आनंद रूपी मोती के दाने से अर्थात आनंद रूपी मोती से जब वह प्रफुल्लित रहती है, परिपूर्ण रहती है, सुखदाई रहती है, तो भला वह कहीं और क्यों निवास करेगी। कहने का मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो जीवात्मा है इसको हमेशा प्रसन्नचित रखने की कोशिश की जाए। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी का मतलब यहाँ दो प्रेम करने वाले लोगों से नहीं है, बल्कि यहाँ प्रेमी का मतलब ईश्वर के दो सच्चे भक्तों से लगाया गया है। प्रेमी ढूंढत मत फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत। विष माने बेटा जहर होता है, विष माने जहर होता है। आइए भावार देखिए, प्रेमी ढूंढत मत फिरो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त की तलाश में निकला, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, मुझे ऐसा कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। कह रहे हैं क्यों, क्या परिणाम हुआ, प्रेमी को प्रेमी मिले। कह रहे हैं कि यदि सच्चा ईश्वर भक्त होगा और यदि उसको सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाए, अर्थात एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, तो कहते हैं कि दोनों के मिल जाने से सब विषय अमृत होए। कह रहे हैं कि उसका जो विष होता है अर्थात दोनों के अंदर जो बुराइयां होती हैं वे अमृत में परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। बेटा यहाँ जो दूसरा दोहा है इसमें दो ईश्वर भक्तों के संबंधों को दर्शाया गया है, अर्थात ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो हमारे मन की जो मलिनता होती है, हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं वे अच्छाइयों में बदल जाती हैं, अर्थात एक आदर्श की स्थापना हो जाती है। इस दोहे में ईश्वर और भक्त, या कहिए कि भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का जो महत्व होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। आइए तीसरा दोहा देखते हैं, देखिए लिखा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है, भूकन दे झकमार। यहाँ हस्ती का मतलब हाथी से है, चढ़िए का मतलब चढ़ाई करने से है, अर्थात आरूढ़ होने से है, अपनाने से है। ज्ञान का मतलब यहाँ आपको ऐसा ज्ञान जो विषयक नहीं बल्कि आपके जीवन का जो व्यवहारिक पक्षों को हमेशा परमात्मा की ओर अर्थात आपके मोक्ष की ओर ले जाने वाला, जहां आपको आपके जीवन का सार समझ में आने लगे, ऐसे प्रसंगों को ऐसे तथ्यों को ज्ञान की कोट में समझा जाना चाहिए। सहज का मतलब सरल से है, आसान से है। दुलीचा का मतलब बिछावन होता है। डाल का मतलब डालने से है अर्थात बिछाने से है। स्वान माने कुत्ता होता है। संसार का मतलब जानते ही हैं, विश्व से है, वर्ल्ड से है, दुनिया से है। भूकन का मतलब जो है कुत्तों के भौंकने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ भूकन का आशय आलोचकों से अर्थात बुराई करने वालों से या कहिए निंदकों से लगाया गया है। भूकन का मतलब भूकने से है, भौंकने से अर्थात बुराई करने वालों से, निंदकों से। झकमार का मतलब होता है समय बर्बाद करना, समय व्यतीत करना, अनायास टाइम को लॉस करना। इस दोहे में ज्ञान प्राप्ति के लिए कबीरदास जी, देखिए बेटा हमेशा ऐसे जो ज्ञानी संतियों जो ज्ञानी जो संत होते हैं इनका मानना होता है कि जीवन में अगर अपने मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें सहज ज्ञान की आवश्यकता होती है, सहज समाज लगाने की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे, योग का सहारा नहीं लेंगे, तब तक हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों हमारे नियंत्रण से
बाहर रहेंगे। तो इनका कहने का मतलब यही है कि ज्ञान को यदि प्राप्त करना है, अर्थात जीवन के मूल्यों को, जीवन के सार को, अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को, जिसको मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, अगर आपको प्राप्त करना है तो कह रहे हैं कि आप सहज ज्ञान को अपनाएं। और वह सहज ज्ञान ये कह रहे हैं कि समाधि से प्राप्त होता है। समाधि का मतलब होता है आसन लगाने से, अर्थात योग करने से, अर्थात कुंडलिनियों को जागृत करने से होता है। सहज तुलीचा डा, यहाँ जो है इस दोहे में कबीरदास ने यह बताने की कोशिश किया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाना ही हितकर होता है। कहने का मतलब अपने आप को कठिनाई के मार्ग पर, या कहिए कि इस जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए यदि आप कठिन मार्ग का अनुसरण करेंगे तो भी आपकी जीवात्मा व्यथित होगी, या वह अपने अंतिम लक्ष्य को, अपने अंतिम मोक्ष को नहीं हासिल कर सकेगी। इसीलिए वो कह रहे हैं सहज समाधि लगाओ, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ाई करो। इनके कहने का मतलब है कि ऊंचाई पर रहना ही चाह रहे हो, यदि ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ाई करो, लेकिन सहज तुलीचा डार, उस पर जो पिछावन लगाना, उस पर जो आसन बिछाना लगाना, वो जो है सहजता रूपी, अर्थात सहज रूपी बिछावन होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप समाधि लगाना ही चाहते हो तो सरल या सहज मार्ग को अपनाओ, न कि कठिन। स्वाद रूप संसार है, ऐ सज्जनों, ऐ भक्तों, यदि तुम ऐसा करना चाहोगे तो यह जो कुत्ता रूपी संसार है, यह जो कुत्ता रूपी दुनिया है, भूकन दे झकमार, वो तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, तुम्हारी आलोचना अवश्य करेगा, तू ऐसा करता है, ऐसा नहीं, ऐसा करता है, इसको ऐसे करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भूकन दे झकमार, कि उनको जो है उनको अपना टाइम बर्बाद करने दीजिए, वे अपना वक्त खराब कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप उस तरफ ध्यान ही मत दीजिए। कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि है सज्जनों, यदि आप जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान हासिल करना चाहते हो, तो सहज समाधि को अपनाओ और अपने निंदकों की, आलोचकों की तिल मात्र भी, जरा भी परवाह मत करिए, उस तरफ ध्यान ही मत दीजिए। क्योंकि जो आलोचक होते हैं, आप अच्छा करोगे तो भी आलोचना करेंगे, बुरा करोगे तो भी आलोचना करेंगे। बेटा अभी जो है चौथा दोहा भी देखिए, या अगले क्लास में चौथा दोहा देखेंगे। आज के लिए जरा कुछ बोधात्मक प्रश्न नोट करिए और इनका जवाब देने की कोशिश करिए। बेटा पहला प्रश्न है, मान सरोवर किसे कहा गया है? पहला प्रश्न है, मान सरोवर किसे कहा गया है? आपका दूसरा प्रश्न है, कवि क्या ढूंढता फिर रहा है? तीसरा प्रश्न है, दो ईश्वर प्रेमियों के मिलने से या मिलने का क्या परिणाम होता है? चौथा प्रश्न है आपका, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना किससे की गई है? एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, आलोचकों की तुलना किससे और क्यों की गई है? एक बार फिर से सुन लीजिए, आलोचकों की तुलना किससे और क्यों की गई है? इतने प्रश्नों का जवाब आपके इन्हीं तीन दोहों के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको भावार्थ के रूप में समझाने की कोशिश किया है, इसी में आपको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब देने की कोशिश करिए। बाकी आज के क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट टाइम।